फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई होप फिट एंड फाइन। बच्चों, हम चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं। उसका नाम है डाकिया रामपाल सिंह की कहानी उसी की जुबानी। क्या नाम है हमारे चैप्टर का नाम? डाकिया रामपाल सिंह की कहानी उसी की जुबानी। आपने इस चैप्टर में पढ़ा बच्चों, उसका नाम बताया, उसका गांव बताया। कौन से गांव का रहने वाला था वो? रामपुर जिले के गांव का सुहार का रहने वाला था। और उसके परिवार में कौन थे? माता पिता थे जो वृद्ध थे। उसके 3 बच्चे थे जिसमें एक लड़का, 2 लड़कियां हैं। और उसकी कौन थी? एक पत्नी थी। और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पास के गांव में भेजता था। उसका जो लड़का था वो 4th कक्षा में पढ़ता था और लड़की 2nd कक्षा में पढ़ती थी। और एक जो छोटी लड़की थी वो कैसी थी? अभी पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि वह छोटी थी। तो बच्चों, उसने अपने परिवार के बारे में बताया, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया कि एक बार उसे कैसे कुछ लोगों ने हमला करके मारा। और डाकिया बनने पर क्या-क्या करना पड़ता है। डाकिया बनने के पहले वह क्या था? एक डाक सेवक था। फिर पेकर बना और तरक्की पाकर वह डाकिया बना। तो अब आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप आइए पेज नंबर 65 पर। तो ओपन योर पेज, पेज नंबर 65। देखिए, पेज नंबर 65 पर अपने क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर हम कल की वीडियो में करेंगे। आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आप मेरे साथ साथ बुक ओपन करेंगे और पेंसिल रखेंगे, जिससे टिक लगाएंगे उसके सही आंसर पर, क्योंकि जब आपके टेस्ट होंगे तो एक्सरसाइज में से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आएंगे। और इसीलिए आपको एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है और ध्यान से समझना है और मेरे साथ साथ इसको बुक में फील करना है। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। कहाँ का मुख्य डाकघर है? कहाँ का मुख्य डाकघर है? कहाँ था वो डाकघर? नैनीताल का, रामपुर का या सुहार का? तो सही आंसर है नैनीताल का। सुहार में तो वह रहता था। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? नैनीताल। डाकिया बनने से पहले राम सिंह क्या था? डाकिया बनने से पहले राम सिंह एक ग्रामीण डाक सेवक था। क्या था वो? ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद वो क्या बना? पेकर बना। और उसके बाद बना वो डाकिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd पे। गांव के बूढ़े व्यक्ति क्या पाकर खुश हो जाते हैं? गांव के बूढ़े व्यक्ति क्या पाकर खुश हो जाते हैं बच्चों? जब बूढ़े व्यक्ति रहते हैं और उनकी पेंशन आती है तो वो उस पेंशन को पाकर खुश हो जाते हैं। तो पेंशन आंसर सही है आपका। डाकिया रामपाल सिंह ने पत्राचार से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? कौन सी उत्तीर्ण की थी? बीए। पत्राचार जानते हैं आप क्या होता है? पत्राचार का मतलब होता है आप जैसे सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस के साथ साथ अगर आपको एजुकेशन भी करनी है तो ये आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और साल में एक बार जो परीक्षा होती है उसको जाकर दे सकते हैं, यानी कि प्राइवेट परीक्षा होती है उसको बोलते हैं पत्राचार। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। डाकिया रामपाल सिंह अपने काम से दुखी है, परेशान है या संतुष्ट है? संतुष्ट है। कोई भी काम करो पर अपने काम से हमें संतुष्ट होना चाहिए। मन लगाकर काम करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, तभी काम करने में आगे तरक्की भी मिलती है और मजा भी आता है। अब आते हैं बच्चों हम, बताओ किसने कहा? कथन। अब आप ये कथन पढ़िए। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। क्या लिखा हुआ है? आप अपने परिवार के बारे में बताइए। अब अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा ही आ जाता है तो आपको यहाँ फील करना है इसको पढ़कर कि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें ये लाइन आई थी तो ये लाइन किसने किससे कही थी। तो देखिए बच्चों, ये किसने कहा? साक्षात्कार लेने वाली महिला। अब साक्षात्कार कौन थी? साक्षात्कार जो लेखिका थी वो थी जिसने डाके के बारे में पूरी जानकारी ली। तो हम लिखेंगे साक्षात्कार लेने वाली महिला। पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था, फिर मैं पेकर बना। ये शब्द किसने कहे थे, यानी कि ये लाइन किसने कही थी? डाके ने कहा था। और किससे कहा था? साक्षात्कार वाली महिला से। क्या आपको डाके की नौकरी करते हुए मजा आता है? क्या आपको डाके की नौकरी करते हुए मजा आता है? ये क्वेश्चन किसने किया था?
साक्षात्कार लेने वाली महिला ने। बच्चों आपकी भी यहाँ पर आपको छोटे छोटे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतना सा बॉक्स है और पूरा नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या लिखना है, साक्षात्कार लेने वाली महिला। यहाँ से डाक थैला लेकर सुबह जल्दी काम पर निकलना पड़ता है। ये किसने कहा, डाकिये ने कहा। ऊपर देखिए आप क्या लिख रहा है, किसने कहा, डाकिये ने कहा। क्या सरकार ने आपके काम की प्रशंसा की है, साक्षात्कार लेने वाली महिला ने कहा। क्या क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार ने आपके काम की प्रशंसा की, किसने कहा, साक्षात्कार लेने वाली महिला ने। अब पेज टर्न करेंगे आप, पेज नंबर 66। निम्न शब्दों को उचित शीर्षक से नीचे लिखिए। देखिए बच्चों क्या लिख रहा है, डाकिया, माता पिता, सम्मान, रामपाल सिंह, प्रशंसा, चिट्ठियां, आदमी, रामपुर और पुलिस। ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। क्या है ये, संज्ञा शब्द। पर अब संज्ञा के भेद पता है आपको, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब इन शब्दों में से आपको चूज करने हैं कि व्यक्तिवाचक कौन से हैं, जातिवाचक कौन से हैं और भाववाचक कौन से हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या आता है, जो किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी गांव का नाम है। अब देखो रामपाल सिंह, इसमें से हमने रामपाल सिंह दिए, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। रामपुर, रामपुर क्या था, एक गांव का नाम था, तो ये आ गया हमारा व्यक्तिवाचक। अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक जाति से इसका पता चलता है कि वह क्या था, एक डाकिया था। और माता पिता, माता पिता किसी का नाम भी नहीं है, माता पिता थे उसके। आदमी, आदमी से पता चलता है कि ये आदमी है कि औरत है, इस शब्द से, इसलिए इसका जातिवाचक संज्ञा में आदमी लिखेंगे। पुलिस, ये भी एक उसका व्यवसाय वो है कि ये पुलिस है कि डॉक्टर है कि डाकिया है, इसलिए हमने जातिवाचक में क्या क्या शब्द लिखे, डाकिया, माता पिता, आदमी और पुलिस। अब आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जिससे शब्दों से किसी भाव का पता चले। अब देखो प्रशंसा, प्रशंसा से आपको पता चल रहा है कि खुशी, प्रशंसा से मतलब खुशी, प्रसन्नता, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा। सम्मान, सम्मान यानी कि हम किसी को इज्जत देते हैं या उसका रेस्पेक्ट करते हैं या किसी को इनाम देते हैं या कुछ भी, तो हम उसका सम्मान करते हैं। क्या करते हैं, हम उसका सम्मान। तो आप देखिए रामपाल, रामपुर हो गए व्यक्तिवाचक, डाकिया, माता पिता, आदमी, पुलिस हो गया जातिवाचक, और प्रशंसा और सम्मान हो गया भाववाचक। अब आप आइए नीचे, इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए। फिर देखिए, इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब आपको पता है अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हुए हैं इसमें, आप इस चैप्टर में से देखेंगे। और आकर शब्दों में मैं बताती हूँ आपको कि उर्दू फारसी वाले शब्द कौन से हैं और अंग्रेजी शब्द कौन से हैं। तो आप आगत शब्द में से जो भी अंग्रेजी वाले शब्द हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, और चैप्टर में से भी देखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद स्वयं करेंगे। अब देखिए, हिंदी में एक अंग्रेजी ध्वनि आ का प्रयोग हो रहा है, आ। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फुटबॉल, तो ये बाल, बा में आ का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह से हम डॉक्टर और हॉल, अब इस हॉल के ऊपर भी आपको चंद्र बिंदु लगाना है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, क्या होती है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। इस ध्वनि का प्रयोग करते हुए दो अन्य शब्द लिखिए, तो हमारा हो गया डॉक्टर, आँख, हाल, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4, लिंग बदलो। लिंग यानि जैसे स्त्रीलिंग और पुरलिंग, जिस जाति से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। तो पति क्या हो गया, पुरलिंग, और पत्नी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, घोड़ा, घोड़ी। फिर देखिए पति का क्या है, पत्नी, लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, मोर,
मोरनी, सिंह सिंहनी, घोड़ा घोड़ी। तो ये हो गया आपका होमवर्क। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, वाक्य बनाओ। संतोष वृद्ध तरक्की ग्रामीण। बच्चों इनके वाक्य प्रयोग आपको खुद को करने हैं। संतोष से रिलेटेड आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि हमें हर काम को धैर्य और संतोष से करना चाहिए। वृद्ध, मेरे माता पिता वृद्ध हैं या मेरे दादा दादी वृद्ध हैं, हमें बड़े होकर खूब तरक्की करनी चाहिए। मुझे गांव के लोग या ग्रामीण लोग पसंद हैं। तो इस तरीके से आपके ये पेज नंबर 65 और 66 की एक्सरसाइज हुई है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।